चलिए बात करेंगे हरियाणा की आवाज की। हरियाणा की आवाज में आज हमने मुद्दा चुना के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का, क्योंकि 10 दिन से कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते कई जगह स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। शहरों में जगह जगह कूड़ा बिखरा है, कूड़े के ढेर लगे हैं, मक्खी मच्छर पनप रहे हैं, बीमारियों का खतरा लगातार बरकरार है। बता दें, सफाई कर्मचारियों ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, ठेका प्रथा को पूरी तरह से खत्म करने, जो कर्मचारी हटाए गए थे उन्हें वापस रखने और साथ ही कोरोना काल में जान गंवाने वाले सफाई कर्मचारियों के परिवारों को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद दिए जाने का ये मांग करते हुए हड़ताल का आगाज किया। 10 दिन हड़ताल को हो चुके हैं। हिसार में सफाई कर्मचारियों की बैठक हुई मंत्री के साथ, लेकिन बेनतीजा रही। तो शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता के साथ बैठक तो हुई, लेकिन बात नहीं बन पाई। तो हरियाणा की आवाज में मुद्दा हमने आपको बताया और साथ ही जो सवाल थे इस मुद्दे से जुड़े वो भी अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। साथ ही हमारा फोन नंबर भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आप फोन कीजिए, राय दीजिए क्या आप सोचते हैं। तो आम लोग देखिए, जब भी सरकार या किसी दूसरे पक्ष के बीच कोई भी लड़ाई या कोई भी बात होती है, बातें मनवाने को लेकर, मांगे मनवाने को लेकर हड़ताल होती है, आमजन हर बार पिस्ता के, आमजन को हर बार परेशानी झेलनी पड़ती है। तो हड़ताल से बिगड़ती व्यवस्था के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, फोन कीजिए, राय दीजिए। प्रेम हमारे पहले दर्शक चेन्नई से फोन लाइन पर हैं। प्रेम, क्या कहेंगे सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर? नमस्कार जी। नमस्कार मैम। वैसा देखा तो भारत अपना प्रदर्शन और ये स्ट्राइक करना ये तो बहुत ही मुश्किल काम हो गया है, मानता हूँ मैं सब, लेकिन आप देखें तो ये हमारे माननीय लोगों की देन है ये सब, कि हम आपको ये सुविधा देंगे। जब वोटों की टाइम होती है तो जब मान लीजिए कि आज कोरोना काल में ये कहा गया था कि 50 लाख रुपए देंगे, अब वो पीछे क्यों हट जाते हैं? जैसे वोट के कह दिया कि 15-15 लाख रुपए अकाउंट में जाएंगे, अब क्यों कह दिया नहीं गया? अब दूसरी बात ये लीजिए मैम, ये प्रदर्शन और ये न करे, ये धरना प्रदर्शन न दे, अगर सरकार इनकी 10 दिन में बात नहीं सुनती है, सरकार को भी तो चाहिए एक दो दिन, अगर इन्होंने धरना प्रदर्शन किया तो उनके साथ रेगुलर मीटिंग करें। अब ये मीटिंग आज शुरू कर रहे हैं, उनका चक्कर है इलेक्शन का। आज आप देखकर अगर ये धरना प्रदर्शन उनका खत्म करना होता, आप जो बोलते हैं कि आम जनता कब निजात मिलेगी, आम जनता में हम और आप आते हैं, आम जनता में हमारे माननीय लोग तो नहीं आते हैं? अगर इन माननीय लोगों को इस जगह से निकाला जाए, बगल से इनकी गाड़ियां भी गुजर जाए तो एक गाड़ी में बेहोश हो जाएंगे। मैम आज इतनी बदबू और इतनी गंदगी है वहाँ पे, अभी आपने कह दिया पराली जलाने के लिए खिड़कियां बंद कर दीजिए, दरवाजे बंद कर दीजिए, तो आपको पराली के लिए चेष्टा कोई कुछ करता है तो दूसरे कहते हैं, कोई बोलता है उसको कंपोजिट करके उसको खाद बना दीजिए तो उसके अगेंस्ट में पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारी डबल इंजन की सरकार नहीं है। मैम ये भारतवर्ष में क्या हो रहा है आप देखिए, कर्मचारियों की नजायज मांगे मैं मानता हूँ, बहुत जगह नजायज है और बहुत जगह जायज है, लेकिन आज जब वो वोट मांगते हैं तब तो जायज बोलते हैं ना उन मांगों को, क्योंकि उनको वोट चाहिए। वो हर जगह जाके बोलते हैं ये हमारे हैं, हम युवा हमारे हैं, गृहिणी हमारी है, सैनिक हमारे हैं, पुलिस वाले हमारे हैं, उनको ये करना चाहिए। अभी मंथन कर रहे हैं, मंथन में देखिए क्या बोल रहे हैं, वो मंथन में यही बोल रहे हैं कि सब चीजों को ये होनी चाहिए। अच्छा और बीच में एक चीज और देखिए, हमारे माननीय लोग कितने स्वच्छ है, कितने साफ है, उनके कपड़े देखिए, जहाँ से गुजरते हैं उन सड़कें देखिए, अभी जहाँ मंथन प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पे देखिए कितनी सफाई है। अभी देखिए जहाँ जहाँ हमारे प्रधानमंत्री साहब जाते हैं, सीएम साहब जाते हैं या और माननीय लोग जाते हैं, बिल्कुल देखिए परेशानी तो आमजन को है। ये आपने ठीक कहा, बहुत शुक्रिया आप जुड़े हमारे कार्यक्रम में। और विशाल जुड़ गए हैं फतेहाबाद से। विशाल आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? मैं यही कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट को इन कर्मचारियों की बातों में सहमति रखनी चाहिए, जो भी इनकी डिमांड है इनकी पूरी करनी चाहिए, सभी मांगी मान ली जाए, ये कह रहे हैं हम, मतलब कि जितनी भी इनकी डिमांड जायज है उतनी डिमांड इनकी पूरी की जाए। चलिए शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात कही, तो आप भी अपनी बात हमें बता सकते हैं, हमसे साझा कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए हड़ताल बहुत बार होती है, आंदोलन बहुत बार किए जाते हैं, लेकिन सफाई कर्मचारियों की हड़ताल एक ऐसी हड़ताल के जिसका सीधा असर, जिसका पहले दिन से ही असर आम आदमी को दिखता है, और 10 दिन अगर हो जाते हैं तो उसके बाद तो स्थिति ये है जो कि आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सूरज भान सिरसा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज भान जी स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर, क्या कहेंगे इस हड़ताल को लेकर? कई दिनों से बैठे हैं ये कर्मचारी भाई जी, सफाई स्वच्छता अभियान, आप फरीदाबाद में मोदी जी और अमित शाह जी आए थे क्या, इनको पता नहीं हरियाणा के ही है ये कर्मचारी? मैम उनसे अवगत कराओ आप, ये जुमले बोलने वाले ये आंखें क्यों बंद किए बैठे हैं? ये दिवाली से पहले इनके बाल बच्चों क्या बीत रही है, क्या बीतती होगी दिवाली पे, हर कोई खुशी मना रहा था, अब तो खैर नई काली दिवाली मनी है, पर इनके साथ अन्याय क्यों? कोई तो इसका हल निकाले, आप भी करो कुछ कोशिश मैम, ये तो आज सरकार ऐसी निकम्मी है, इसके पास कुछ नहीं है।
सिवाय हड़ताल के, इनसे तो छीना जाता है, लिया नहीं जाता, मांगे नहीं। धन्यवाद मैम, बहुत धन्यवाद आपका भी, आप जुड़े कार्यक्रम में, आपने अपनी बात कही। तो लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम में, अपनी अपनी बात कह रही हैं। पलवल से सुनीता हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैम आप क्या कहेंगी इस हड़ताल को लेकर? नमस्कार, नमस्कार मैम जी, नमस्कार। मैम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो भी इन जो सफाई कर्मचारी है हमारे, इनकी जो जायज मांग है उनका पूरा, उनकी पूरा करो, क्योंकि ये जो हड़ताल है इससे आम जन के स्वास्थ्य पे भी काफी असर पड़ रहा है। तो मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है इनकी जो जायज मांगे वो पूरी हो और इनकी हड़ताल जल्द से जल्द खत्म करवाई जाए। चलिए शुक्रिया, आपने अपनी बात कही, सुनीता भारद्वाज हमारे साथ जुड़ी। इनका कहना है कि जल्द से जल्द हड़ताल को खत्म करवाया जाए, इनकी जायज मांगों को मान लिया जाए। लेकिन सवाल ये भी कि ये कैसे डिसाइड किया जाए कि मांग जायज है या फिर नहीं, क्या इसको पूरा किया जाना संभव भी है या फिर नहीं। अभी तो कह रहे हैं कि सभी जो कच्चे कर्मचारी हैं सफाई कर्मचारी उनको पक्का कर दिया जाए, जो ठेका प्रथा है उसको खत्म कर दिया जाए, यानी ठेके पर कर्मचारियों को रखा ही ना जाए। बलदेव सिरसा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलदेव जी आप क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर? मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगा जी, ये सरकार तो कर्मचारी विरोधी, किसान विरोधी ये है। नहीं तो इन बेचारे जो ये काम करते हैं कोविड के अंदर, इन्होंने कितना काम किया, तो इनकी तो मांगे मान लेनी चाहिए। और गंदगी को ये उठाते हैं फिर भी इनकी मांगे जायज मांगे वो नहीं मान रहे जी। चलिए बहुत शुक्रिया बलदेव जी, आपने अपनी बात कही। आप भी कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं क्योंकि आपका अपना कार्यक्रम सीधे आपसे जुड़ा है कार्यक्रम। मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरुग्राम से, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर, क्या कहेंगे हड़ताल को लेकर? मैम ये जो हड़ताल इनकी जायज है, ये नहीं कि इनको परमानेंट कर दो, पर इनकी टाइम टाइम पे जो जो इनकी असुविधा है उनको जनक करो। और ये जो मांग रहे परमानेंट वो तो इनकी गलत बात है, जो सारी ठेका प्रथा चल रही, तो इनको वैसे कोई इनकी जात जैसे झाड़ू है वही अपने पैसे की लाते हैं, ये मंत्री संतरी ये तो सारे हर चीज की सेवा चाहते हैं। गरीब आदमियों के लिए अच्छी तरह इनकी मदद की जाए, तनख्वाह बढ़ा दी जाए, बोनस दिया जाए, ड्रेस टाइम पे मिले, तनख्वाह टाइम पे मिले, ये इनकी सुविधा ये हो जाए तो सबसे बढ़िया है। ये तो इसी चीज पे समझौता हो जाए, गवर्नमेंट बात करके राजी नहीं है इनसे। चलो बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात कही है, जुड़ी आप हमारे साथ राय थी। महेंद्र सिंह नारनोल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र सिंह आप क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर? महेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं आप कार्यक्रम में, क्या राय है आपकी? समाज में सबसे गंदा काम करता है और सबसे लेट इसको बेनिफिट मिलता है। मैं तो सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि सरकार इनकी बातचीत के जरिए इस हड़ताल को समाप्त की जाए और जो आम जनता के साथ टकराव की भाषा है उसको दूर किया जाए जी। चलिए बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय दी, जुड़े आप कार्यक्रम में, आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकती हैं क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि ये लगभग सभी से जुड़ा है। चूंकि आपके शहर में भी गंदगी का आलम होगा, जब सफाई कर्मचारी सफाई नहीं करेंगे, कूड़े का उठान नहीं होगा, तो हालात क्या होंगे ये आप समझ सकते हैं। आप फोन कीजिए, राय दीजिए। अभी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े मनोज, उनका कहना था कि सरकार बातचीत नहीं कर रही है, तो दो बार तो देखिए बातचीत हो चुकी है लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। फतेहाबाद से हरि किशन हमारे साथ जुड़े हैं। हरि किशन जी आपकी क्या राय है? हेलो जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर, क्या कहेंगे? मैं यही करना चाहूंगा जी, सरकार से रिक्वेस्ट है जी, सरकार जो भी इनकी जायज मांगे हैं वो जल्दी से जल्दी पूरी करे। और जी तो मेरी तो यही है जी, रिक्वेस्ट सरकार से भी है और कर्मचारियों से भी है, क्योंकि हरियाणा का इसमें बहुत बुरा हाल होया पड़ा, बीमारियों से पहले भी काफी फैल चुकी है, जिससे और भी फैलने का खतरा रहेगा। तो मेरी सरकार से भी रिक्वेस्ट और कर्मचारियों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का हल किए और लोगों को इस बीमारी से निजात दिलाई जाए जी। चलिए बहुत शुक्रिया, आप जुड़े कार्यक्रम में, आपने अपनी राय रखी, तो आप भी फोन कर सकते हैं। लगातार हमारा फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, मुद्दे की आपको जानकारी है ही, जो सवाल थे इस मुद्दे से जुड़े वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अशोक हिसार से जुड़ गए हैं। अशोक जी आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो जी आपका चैनल है जो हरियाणा न्यूज, इनका धन्यवाद करते हैं कि ऐसे मुद्दे को उठाया गया जी, जो जनहित का मुद्दा है उसको उठाते हो आप बार बार में। अभी हमने दो तीन दिन पहले भी आपने उठाया था ये मुद्दा और आज भी उठाते हो। और बड़े बड़े चैनल है जो सभी परेशान है, वे कुछ मुद्दे नहीं उठाते, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। मुद्दे को लेकर क्या कहेंगे अशोक जी, हड़ताल करना या ये तरीका ठीक है? मैंने जी इसके लिए तो मैं यही कहूंगा जी,
जो देश के प्रधानमंत्री है जी, ये कहते हैं कि सबका विकास सबका साथ, लेकिन अब ये बताइए क्या ये सफाई कर्मचारी ये देश के नहीं है? क्या इनका विकास होना जरूरी नहीं है जी? जी, और अगर इनका भी विकास हो जाए, ये भी अपने बच्चों को शिक्षा अच्छी दे दे, तो इनकी ठेका पट्टा खत्म हो जाए, तो क्या ये प्रधानमंत्री जी जो देश के प्रधानमंत्री है माननीय मोदी जी, क्या ये कि आदेश नहीं दे सकते भाई पूरे देश के एक ही दिन में ठेका पट्टा खत्म हो जाए, तो इन वाल्मीकि समाज के लोगों का भी कुछ सुधार हो जाएगा, कुछ बच्चों को शिक्षा दे देंगे जी? ये भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज प्रधानमंत्री जी से वो प्रार्थना करते हैं कि, और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी सांसद है जितने भी जी, और MLA है, उनसे भी प्रार्थना करता है कि वो भी मुख्यमंत्री जी को अपना अपना सुझाव दे कि ये ठेका प्रथा खत्म करवाई जाए, और या फिर अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दे, अगर इनसे काम नहीं होता पर देश का कुछ विकास नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दे। चलिए, शुक्रिया, आपने अपनी बात कही। हमारे साथ रिंकू जुड़ गए हैं यमुनानगर से, आपकी क्या राय है इस मुद्दे को लेकर? जी, हरियाणा न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का मुद्दा उठाया है। मैडम जी, ये बहुत जो अच्छा मुद्दा आपने उठाया है, देखिए हड़ताल करना कोई विषय नहीं होता, लेकिन सरकार की वजह से हड़ताल का कारण बनता है। अब ये सफाई कर्मचारी है, यही लोग सफाई कर्मचारी कोरोना में भी बेचारे ने अपना सेवा दी है, और जो हरियाणा कुशल राज निगम है उसको बंद किया जाए, उसमें शोषण होता है, ठेका प्रथा बंद की जाए, क्योंकि ठेकेदार जो होता है 16,000 DC रेट लेके 8-9,000 रुपए इनको तनख्वाह देता है। और मैडम जी, महंगाई के टाइम में क्या ऐसा आपको लगता है कि 8-9,000 में अपना गुजारा कर लेंगे? चलिए, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े कार्यक्रम में। तो इस मुद्दे को लेकर हमने बात की है कि क्या ये जो हड़ताल की जा रही है तरीका ठीक है।